लोकसभा चुनाव में देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी बनी हुई है। 13 तारीख को पीएम मोदी वाराणसी से एक ग्रैंड रोड शो करेंगे और उस रोड शो की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। न सिर्फ भाजपाई जन बल्कि यहां के काशीवासी भी उस रोड शो के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए बकायदे बीजेपी के लोगों ने एक बैठक की और प्रत्येक विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा में एक कार्ड प्रत्येक लोगों को बांटेंगे और कार्ड के माध्यम से लोगों को रोड शो में आमंत्रित करेंगे। हालांकि ये आमंत्रण पत्र जल्द से जल्द बांटने की जिम्मेदारी तमाम विधायकों को सौंप दी गई है और कहा गया है कि प्रत्येक घरों में पहुंचकर निमंत्रण सबको पहुंचा दें कि उनके जब सांसद रोड शो में शामिल होंगे, रोड शो में मौजूद रहेंगे, तो फिर वो लोग उस वक्त मौजूद रहें। हालांकि इसके लिए बकायदे 100 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर बीएचयू तक ये रोड शो रहेगा। सबसे पहले पीएम मोदी बीएचयू पहुंचेंगे, जहां महामना की बगिया में पहुंचकर मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहां से उनका रोड शो काशी विश्वनाथ की तरफ रवाना होगा। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि ये पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है, जो रोड शो है, वो कितना खास होने वाला है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, वो एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि जब पीएम मोदी का रोड शो हो तो वो एक ऐतिहासिक रोड शो हो और न सिर्फ काशी बल्कि पूरे देश में उस रोड शो का मैसेज जाए। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो गई है। 13 मई को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रांची आई हुई थी। इसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता और यहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को निर्मला सीतारमण के साथ से मिलवा दिया। यही घटना अपने आप में बीजेपी के लिए जहर बन गई। राजनीतिक तौर पर इस घटना की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। इसलिए हुई क्योंकि व्यवसायी विष्णु अग्रवाल जो हैं वो वही शख्स हैं जो जमीन घोटाले में जिन पर ईडी ने कार्रवाई की थी वो जेल भी गए थे और हाल ही में जमानत पर छूटे हैं। इस घटना के बाद विपक्ष ने पूरी तरह से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के लिए इस पूरे मुद्दे पर देने के लिए बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में ये देखा जाने लगा कि कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी का यह कदम जो है चुनाव के इस माहौल में पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। चुनावी माहौल में विपक्ष के लिए एक हथियार बनना स्वाभाविक था। अब देखना है कि ये मुद्दा चुनाव में और कितना आगे जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग सहित राजनीतिक दल चौथे चरण के मतदान की तैयारी में जुट गए हैं। 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मालवा निमाड़ में इंदौर उज्जैन के अलावा 8 संसदीय सीटें हैं जिनमें मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए 18,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 13,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर CCTV और वेबकास्टिंग से नज़र रखी जाएगी। इन संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की बात करें तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ BD शर्मा और तमाम स्टार प्रचारक मैदान में हैं। वहीं अगर देखें कांग्रेस की तरफ से PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अरुण यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 सीटों पर चुनाव होना है और अंतिम चरण में अब 8 सीटें शेष रह गई हैं जिसमें कि मतदान होना है। देखना यह है कि 13 तारीख को मतदान के बाद क्या मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ पाता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि ये मुद्दे से भटक गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक जनसभा में कहा कि कारोबारी विपक्ष को टेम्पू से भरकर पैसा दे रहे हैं। इस पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की जाँच एजेंसियाँ उनके पास हैं, जाँच करा लें, पता चल जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का बयानबाजी पीएम कर रहे हैं, NDA की तरफ से किया जा रहा है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था
21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। कहीं जहां इंडिया गठबंधन एक तरफ संविधान बचाने और मुसलमान आरक्षण की बात करती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले पिछड़ों अति पिछड़ों के हकमारी की जाने की बात करते हैं इंडिया गठबंधन द्वारा, और उनके आरक्षण की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो गौन हो गए हैं इस बार। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 4 जून को जनता क्या तय की है और क्या रिजल्ट आता है इसके ऊपर। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। इंदौर संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में यानी 13 मई को मतदान होना है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन मिलकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार चूंकि मैदान छोड़ चुका है और भाजपा में शामिल हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे नोटा में अपना मतदान करें। उधर समाज में एक तीसरा तबका भी है जो थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज के नाम से जाना जाता है। किन्नर समाज के इंदौर संसदीय क्षेत्र में 850 से ज़्यादा वोट हैं। उन सभी ने मिलकर के आज शपथ भी ली है जिसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। साथ ही उन्होंने इंदौर के मतदाताओं से अपील भी की है कि वे नोटा के बदले किसी उम्मीदवार को चुनने में अपना वोट का प्रयोग करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी अपील का असर मतदाताओं पर ज़्यादा होता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्रजीत सिंह लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। पटौदी विधानसभा में आज रविंद्रजीत सिंह ने चुनावी दौरा किया। इस दौरान मानेसर इलाके के कई गांव में रविंद्रजीत सिंह ने चुनावी सभाएं की। वहीं रविंद्रजीत सिंह ने लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का आरक्षण को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। गुरुग्राम लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके रविंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों का प्यार गुरुग्राम लोकसभा से उन्हें हमेशा मिलता आया है। इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि लोग उसी तरह का प्यार इस बार भी उन्हें देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के गढ़ नू में भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। हरियाणा की मनोहर टू सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने आज अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के गवर्नर को एक पत्र लिखा और हरियाणा की बीजेपी सरकार जिसके मुखिया नायब सिंह सैनी हैं उनके अल्पमत में होने की बात कहते हुए उनका फ्लोट टेस्ट कराने की बात कही। उन्होंने जो 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है इसका हवाला देते हुए पूरा खाका लिखकर गवर्नर से कहा है कि फिलहाल में हरियाणा में 88 सदस्यों का सदन है और 43 विधायकों का समर्थन बीजेपी को है। ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में है और जल्द से जल्द उनका फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष हरियाणा विधानसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बात की वकालत की और उन्होंने एक पत्र गवर्नर को अपने पार्टी की तरफ से लिखा है जिसमें डिप्टी सीएलपी लीडर आफताब अहमद और विधायक बीबी बत्रा ने कल हरियाणा गवर्नर से मिलने का समय मांगा है ताकि वह अपना एक मेमोरेंडम दें कि जो हरियाणा में अल्पमत में नायब सिंह सैनी की सरकार है इसका जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनावों को लेकर जोरदार प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री ने जहां पर अडानी और अंबानी का नाम लेकर साफ तौर पर कहा कि उनका काला धन कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पिछले कितने सालों से अडानी और अंबानी का मुद्दा उठा रही थी और अचानक चुनाव आते ही वो चुप क्यों हो गए, आखिरकार कितना पैसा गया, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब खासतौर पर प्रधानमंत्री पर हमलावर है। खुद राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री पर हमला किया है और साफ तौर पर कहा है कि आपको कैसे पता कि टेम्पो से पैसे दिए जाते हैं, क्या आपको इसका अनुभव है, तो आप ईडी और आईबी को इनके पास क्यों नहीं भेजते हैं, क्या ये जो आईडी जो ईडी और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट है केवल इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल है और जो विपक्षी दल है उन्हीं के लिए है या फिर आपके मित्रों के लिए भी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, जहां एक तरफ सैम पित्रोदा का मामला है तो दूसरी तरफ अंबानी और अडानी का मामला भी तूल पकड़ रहा है। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर विवाद बढ़ गया है। मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उद्धव ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के समर्थन में 93 ब्लास्ट के आरोपी इकबाल मूसा ने प्रचार किया, जिसके बाद बीजेपी सहित एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे के ऊपर आक्रामक हो गई है। 93 ब्लास्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से 93 ब्लास्ट में हिंदुओं की रक्षा के लिए बाला साहब ठाकरे आए थे, ठीक उसके उलट उद्धव ठाकरे 93 ब्लास्ट के आरोपियों के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। और इकबाल मूसा का लगातार समर्थन और प्रचार करना ये बताता है कि मुसलमानों के साथ उद्धव ठाकरे किस तरीके से जा रहे हैं कि अब उन्हें 93 ब्लास्ट के हत्यारों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार इस तरीके के अलग अलग आरोपों के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से अब तक इस मामले में कोई भी सफाई सामने नहीं आई है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इस तरीके के मुद्दे तूल पकड़ते जाएंगे। वीडियो जन घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। बिहार में आज दो खास उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पटना के पाटलिपुत्र इलाके से राम कृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया, वहीं काराकाट से सिने स्टार पवन सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के बाद राम कृपाल ने अपनी जीत का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि जनता हमारे साथ है और हमारी जीत सुनिश्चित है। वहीं पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि जनता हमारे साथ है और हम अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस अंदाज में पवन सिंह निर्दलीय एंट्री लिए हैं वो एनडीए के समक्ष एक चुनौती है, और वहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी चुनौती मिल रही है और पवन सिंह लगातार ललकार रहे हैं। वहीं पटना से मीसा भारती के खिलाफ राम कृपाल यादव हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार मीसा भारती के लिए लगा हुआ है, वहीं राम कृपाल यादव अपने दम पर जनता का हवाला देकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व नेता सैम पित्रोदा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, यह बयान कांग्रेस का है। जिस कांग्रेस की दुकान में, मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत बेचने की दावा किया जाता था, उस मोहब्बत की दुकान में नफरत बेचा जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का नस्लभेदी सोच है, जिनके नेता बार बार पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण के हिस्सेदारी में लोगों को बांट रहे। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किए हैं। इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा का पूरा वर्धस्त कांग्रेस से मिला हुआ है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। युवती शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रीकांत शिंदे के पिता एकनाथ शिंदे को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका जवाब आज संजय निरुपम की तरफ से दिया गया है, जो कि शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। संजय निरुपम ने कहा है कि जो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को नहीं बचा सके और वो दूसरी की पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो क्या कुछ करेंगे। इसके साथ ही साथ आदित्य ठाकरे पर भी उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा जाना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, इसलिए उद्धव ठाकरे गद्दार है। कुर्सी की लालच में उन्होंने हिंदुत्व का साथ छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा। जिस तरीके से
बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी वो हिंदू की पार्टी थी, लेकिन अब जिस तरीके से वो कांग्रेस में तब्दील हो चुके हैं उसका कहीं ना कहीं उनको जो घाटा है वो होगा। ऐसे में आज इस पूरे मुद्दे को लेकर संजय निरुपम की तरफ से शिवसेना मतलब कि यूबीटी को और उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की गई है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी नेता को इस मुद्दे पर माफ़ी मांगना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर यूबीटी मतलब कि शिवसेना का क्या कुछ प्रतिक्रिया होता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो भारत में पिछले सालों में हिंदुओं की आबादी में 7.8% फीसदी की कमी आई है। वहीं अगर मुसलमानों की आबादी की बात करें तो इसमें 43% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी कम हुई है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों, ईसाई, सिख, इन लोगों की और अन्य अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी आबादी में बढ़ी है। अब इस रिपोर्ट के बाद सियासी तौर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आकाश के साथ कोमल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह सघन चुनावी प्रचार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ 14 मई को बनारस में नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं 12 तारीख को पटना में बड़ा रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं 13 मई को प्रधानमंत्री बनारस में रोड शो करेंगे, उसके बाद 14 मई को प्रधानमंत्री बनारस में नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 15 मई को प्रधानमंत्री मुंबई में बड़ा रोड शो करेंगे। इसके अलावा 12 से 15 मई तक प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में सघन चुनावी प्रचार करने का कार्यक्रम है। एक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री अब तक 101 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, जो 3 फेजों में प्रधानमंत्री की रैलियों का आंकड़ा है, जबकि 24 से ज्यादा प्रधानमंत्री रोड शो का आयोजन कर चुके हैं। एक जानकारी के मुताबिक इतनी ही रोड शो को और रैलियों का आयोजन प्रधानमंत्री अगले तकरीबन प्रधानमंत्री 200 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से प्रधानमंत्री अब तक के चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा रोड शो चुनावी प्रचार को संबोधित करने पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आकाश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बाद अब बीजेपी और दूसरी पार्टियां लगातार उनके ऊपर हमलावर हैं। गौरतलब है कि इलेक्शन से ठीक पहले लगातार सैम पित्रोदा इस तरीके के बयानबाजी करते आए हैं। साल 2019 में भी इसी तरीके के विवादित बयानों के बाद सैम पित्रोदा चर्चा में आए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार उनके इस बयानबाजी से दुखी थी। यही वजह है कि सूत्र बताते हैं कि सैम पित्रोदा के ऊपर दबाव बनाया गया। आखिरकार सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंप दिया। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के अंदर खाने भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर नाराजगी लगातार जारी है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी उनके इस बयान को लेकर अच्छी खासी नाराजगी जाहिर की है, और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि सैम पित्रोदा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो राजीव गांधी के इतने करीबी रहे, उनको इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, खास तौर पर जब सैम पित्रोदा इस बात को जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव है और उनके इस तरीके के बयान बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। यह खास मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से लगातार तीसरी बार उम्मीदवारी करेंगे। बताया जा रहा है कि 14 मई को गंगा सप्तमी है और ज्योतिषाचार्यों ने इस दिन को काफी खास बताया है। बताया है कि 7 सालों बाद ऐसा नक्षत्र और ऐसा योग बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से उम्मीदवारी पेश करेंगे गंगा सप्तमी पर। अब बताया जा रहा है कि पुष्य नक्षत्र है और साथ ही प्रवर्धमान योग है जिसको कि 7 साल बाद यह नक्षत्र आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि इस दिन गंगा पूजन का खास योग होता है। खास इस दिन गंगा पूजा करने से सर्वार्थ योग सिद्धि योग बनता है
और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी से लगातार तीसरी बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और वो यहाँ से जीत का एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है कि काशी के लोग उन्हें 10 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाए। इसके लिए उन्होंने अपने नामांकन के लिए ऐसे दिन का चयन किया है जब ग्रह नक्षत्र सभी उनके अनुसार अनुकूल होंगे। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि यश शुभ संयोग 7 सालों के बाद उत्पन्न हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैनी धाम को विकसित किया जा रहा है। कहा जाता है जब भी कोई विकास कार्य किया जाता है तो उसके नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं, वही चीज़ें यहाँ देखने को भी मिल रही हैं। सरकार ने 5वें धाम के रूप में भले ही सैन्य धाम को विकसित किया हो लेकिन जो इसके आसपास का इलाका है उसको फिलहाल जो है फ्री जोन किए जाने की तैयारी की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सैन्य धाम है जिसका निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा था, वहीं इसके आसपास लगती हुई 500 मीटर की जो परिधि है उस पर फिलहाल जो है किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को रोक लगाने की तैयारी की गई है। बकायदा मास्टर प्लान के तहत इसको जो है इसको संशोधन लाने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान में संशोधन होता है फाइल शासन को भेजी जाएगी, शासन इसे फ्री जोन घोषित कर सकता है। इसको लेकर भी तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि इसके आसपास जो 500 मीटर का दायरा है वहाँ पर फिलहाल कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून।